दोस्तों आज आप लोगों को एक स्पीकर दिखाएंगे जो बेटा थ्री कंपनी से है और 15 इंच का स्पीकर है, सिंगल 15 इंच। तो ये हम लोग आज पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर आपको प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे, स्पेसिफिकेशन बताएंगे, उसके बाद उसका साउंड भी सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रसन्नजीत मित्रा और आप देख रहे हैं एसके इलेक्ट्रॉनिक्स का यूट्यूब चैनल। एसके इलेक्ट्रॉनिक गुवाहाटी का, इम्फाल का भी आता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से, फिर हम लोग एक एक करके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों ये है बेटा थ्री का स्पीकर N15। ये पहले ओपन करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। तो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। ये थर्मोकोल निकाल लेते हैं, बड़ा ज़बरदस्त थर्मोकोल दिया है इन्होंने। तो दोस्तों ये है बेटा थ्री का 300 वाट का पैसिव स्पीकर, जिसका मॉडल नंबर है N15। N15 मतलब आप समझ रहे हो, ये 15 इंच का स्पीकर है और ये ABS प्लास्टिक मॉड्यूल से बना हुआ इसका बॉडी इंजेक्शन मोल्डेड है। और मैं आपको बता दूं, बेटा थ्री जो है वर्ल्ड का एक नंबर कंपनी है इंजेक्शन मोल्डिंग, मतलब ये प्लास्टिक का बॉडी स्पीकर बनाने वाला कंपनी। तो अभी थोड़ा ये देख लेते हैं, इसके अंदर से ये मैनुअल निकला और उसके साथ ये ब्रैकेट्स है। ये ब्रैकेट्स बेसिकली आप जब इसको मॉनिटर के हिसाब से यूज़ करेंगे तो इसको होल्ड करने के लिए आपको ये ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। और ये उन्होंने ये भी दे रखा है फ्री में, चलो बढ़िया है। तो अभी थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बात कर लेंगे। ये जो फ्रंट ग्रिल आप देख रहे हो, इसमें 16 गेज का ये ग्रिल है, तो काफ़ी मजबूत ग्रिल है। और सिंगल 15 इंच का स्पीकर लगा हुआ है और HF जो है वो 1.7 इंच का है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन ठीक है 300 वाट में। अभी दूसरा स्पेसिफिकेशन देखते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो है 60 हर्ट्ज़ से 18 किलो हर्ट्ज़ तक। इसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगा, लो लो, मिड मिड, मिड हाई, कंप्लीट रेंज आपको मिल जाएगा इसमें। तो एज ए मेन स्पीकर और एज ए मॉनिटर भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं जैसे आपको बोलता हूँ सबको कि मैं पैसिव मॉनिटर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका बहुत सारा कारण होता है, उसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसका HF को मिड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप फ्रंट स्पीकर के हिसाब से अगर यूज़ करें तो बढ़िया है। और इसका वेट जो है ये करीबन 20 किलो है, तो काफ़ी भारी है ये। इसका साइड का पोर्शन भी अभी हम लोग देखेंगे और बैक साइड भी हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग आपको इसका साउंड भी चेक करवाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि ब्रांडेड जो कंपनी होता है ना, बड़ी कंपनी, उनका पूरा डिटेल जो होता है मैन्युफैक्चरिंग और उनका डिज़ाइनिंग का डिटेल, इससे मालूम पड़ता है कि वो ब्रांडेड कंपनी है। आपको छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, आप ये पोर्शन देख लीजिए। ये ग्रिल का अंदर में ये स्क्रू फिट किया गया है ताकि ये बाहर ना आए और स्क्रू डैमेज ना हो, ग्रिल डैमेज ना हो। तो ये सब बारीक चीज़ ना कोई भी ब्रांड को ऊपर लेके जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है N15 का साइड पोर्शन। यहाँ पर हैंडल का काफ़ी अच्छा ये दिया हुआ है, बंदोबस्त किया हुआ है। इसमें ग्रिप बहुत अच्छा है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और अभी हम लोग देखेंगे इसका बैक पैनल। दोस्तों ये है इसका बैक पैनल, अभी देख रहे हैं। ये जो दो पोर्शन है ये आपका मॉनिटर के हिसाब से अगर यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा, वो टाइम इसका काम में आ जाएगा। और सेकेंड थिंग है, ये पोर्शन देखिए थोड़ा अंदर में है। अंदर होने का कारण यही है कि ये पोर्शन को थोड़ा सेफ्टी देना है ताकि ये डैमेज ना हो जाए। अभी थोड़ा इसका क्लोजली देखेंगे और क्या क्या यहाँ पर है। तो अभी ये बैक पैनल आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। ये बेटा थ्री का लोगो है और ये आपका जो कनेक्टर है उसका कनेक्शन का दिया हुआ है। यहाँ मॉडल नंबर ये है और ये 2-way फुल रेंज बिल्ट इन पैसिव स्पीकर क्रॉसओवर के साथ है ये। और इसका पावर रेटिंग देखिए 300 वाट RMS है और इसका सेंसिटिविटी है 97 dB और इम्पिडेंस है 8 ohms। तो सिंगल 15 है तो ऑब्वियसली ये 8 ohms में आएगा। तो अगर आप दो चलाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 500 वाट का मशीन चाहिए 8 ohms में। अगर आप इसको लूप करेंगे एक के साथ एक चलाएंगे तो ये 4 ohms में आ जाएगा। 4 ohms में इसका वाटेज हो जाएगा फिर 600 वाट। फिर आपको 1000 वाट का मशीन चाहिए एट 4 ohms पर चैनल, तब आपका 4 ये चल जाएगा। बजा के प्ले करके देखेंगे, थोड़ा इसका साउंड चेक करेंगे और आप भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका साउंड का क्वालिटी कैसा है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा बेटा 3 का N15 एक पैसिव स्पीकर। तो इनका जितना भी N सीरीज़ का स्पीकर है N8 N12 N10 N15 सभी एक एक करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।